मैं हूं हरीश सावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस खबर। अब उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के हरदोई के सुरसा इलाके में गौ रक्षक संगठन धरने पर बैठ गए हैं। इन संगठनों का धरने पर बैठने का कारण गौशाला में लापरवाही से दर्जनों गायों की मौत की खबर को बताया जा रहा है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। सूचना मिलने के बाद सिटी मैजिस्ट्रेट SDM मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए केयर टेकर को बर्खास्त कर दिया। साथ ही पशु चिकित्सक अधिकारी से जवाब तलब किया गया है। वहीं मृत को वंशों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शवों को JCB मशीनों से दफना दिया गया। सिटी मैजिस्ट्रेट जंग बहादुर ने बताया कि इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। आपको यह भी बता दूं कि हरदोई के सुरसा के ग्राम पंचायत म्योनी में पशु आश्रय स्थल में दर्जनों गौवंश की मौत की खबर के बाद बड़ा हड़कंप मच गया था। यहां गौसेवक पहुंचे, आश्रय स्थल की दुर्दशा को देखकर हैरान रह गए और इसके बाद वे धरने पर बैठ गए। इसके बाद मामले की जानकारी पाते ही नोडल अधिकारी, SDM सदर, सिटी मैजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंच गए। SDM सदर ने ग्राम पंचायत प्रधान व पशु चिकित्सा अधिकारी को कड़ी फटकार मौके पर लगाई। सिटी मैजिस्ट्रेट जंग बहादुर ने बताया कि प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट के बाद कड़ी कार्रवाई भी होगी। म्यूनी निभरा ब्लॉक सुरसा जो गौशाला है, इसमें गायों का जो प्रकरण आया है, इसमें जांच कराई जा रही है। मजिस्ट्रेट से जांच कराने का आदेश दे दिया गया तथा जो इसका केयर टेकर है, इसकी लापरवाही को देखते हुए इसको बर्खास्त कर दिया गया। क्षेत्रीय जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, इनका स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनका स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। गायों की जांच कराई जा रही है कि गायें गौशाला की हैं या कुछ क्षेत्रीय लोगों ने अपनी मृत गायों को यहां डाल दिया है तथा पोस्टमार्टम इस समय कराया जा रहा है तथा इनके जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा दे दिए गए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।